की समाप्ति हो चुकी है। अभी कुलाबली पांच गेंद में छह रन बनाकर आबाद है। इस बार जबरदस्त गेंद, लेकिन नेक्स्ट के अंपायर का इशारा वाइड बॉल। यहां पर अंपायरिंग का जो संभाल रहे हैं वो है हमारे मुजफ्फर। काफी जबरदस्त बॉलर है वो भी, नहीं क्योंकि फाइनल पे है। इस बार हल्के हाथों से गेंद को फहराया, वहां पर आउट होने का खतरा, लेकिन वही मैं फील्डिंग की बात कर रहा था कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है यहां पर गली क्रिकेट। माफ कीजिएगा, 91 विकेट के नुकसान पर पारी का ये 13वां ओवर की समाप्ति हो चुकी। रोहित कुमार जो कि अभी अभी क्रीज पर हैं, गेंद पर एक रन बनाकर नाबाद है गुलाम अली जी। 3 ओवर में 27 रन खर्च किए हैं और 2 महत्वपूर्ण सफलताएं अपने नाम अर्जित कर चुके हैं। करंट रन रेट अपने ठिकाने पे 7.00 का टच स्कोर, वही हम बता रहे थे। यहाँ पर अब फिर से सलमान भट्ट को लगाया गया है बॉलिंग मोर्चे पर। 5 गेंदों में 7 रन बनाकर नाबाद है, स्ट्राइक पर मौजूद है। और अगर बारिश के चलते ये मुकाबला रद्द हुआ तो कहीं ना कहीं डीएनएस का मेथड लगेगा। सलमान पहली गेंद हवा में, गेंद खिलाड़ी ने चार आउट, गुलाम अली जो कि मात्र उम्मीद थे यहां पर स्लिप 5 स्टार कंचों की टीम का, अब तक सिग्रम की तरफ वापस जाते हुए जिस तरह की गति के लिए खेल रहे थे गुलाम अली, लेकिन उस तरह की गति आई नहीं यहां पर। कहीं ना कहीं यहां पर अब 5 स्टार कंसों की टीम संकट में, पूरी तरह से संकट में और पूरी तरह से यहां पर जाल में फंस गई सलमान। यहां पर सलमान के बट के जाल में फंस गए गुलाम अली और राजा मीर सलमान बट। सफलता अपने नाम दूसरे ओवर में, दूसरे ओवर की पहली गेंद पे अपने नाम सफलता अर्जित करते हुए। बैट्समैन का हम नाम जानना चाहेंगे। नौ नंबर। क्या जबरदस्त गेंद थी यहाँ पर सलमान भट्ट की। जैसे ही देखा कि गुलाम अली जो है वो तेज गेंदों पर अच्छे से खेल रहे हैं तो गेंद की रफ्तार को थोड़ा सा यहाँ पर कम करा और उसी के चलते यहाँ पर सफलता अपने नाम अर्जित करी सलमान भट्ट ने। अपने ओवर की अगली गेंद करेंगे। इस बार काफी जबरदस्त गेंद थी, खेलना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से मिस कर गए। सलमान भट्ट कहीं ना कहीं जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं और अपनी टीम को बैकअप करते हुए। प्रोजेक्टिव स्कोर वही बता रहे थे हम कि अब थोड़ा सा नीचे गिरता हुआ 6.91 का यहां पर करंट रन रेट है और प्रोजेक्टिव स्कोर वही 111 के करीब जो कि पहले देख 160 के करीब दिख रहा था, लेकिन अब इस बार फिर से नीचे रहती हुई गेंद, रनआउट होने का खतरा दोनों बल्लेबाजों ने इस अतिरिक्त के चलते एक और रन मुकम्मल किया। कहीं ना कहीं कीपर जरूर गेम अवेयरनेस दिखा रहे थे लेकिन गेंद बॉलर के सर के ऊपर से उन्होंने थ्रो करी, चांस नहीं था यहां पर बल्लेबाज के पास बॉलर के पास, वो गेंद लपके और स्टंप्स पे दे मारने में कामयाब रहे ओमराज नए बल्लेबाज। बाइक के चलते इस बार हवा में गेंद, खिलाड़ी खुद सलमान भट्ट नीचे जा रहे और एक और आसान सा कैच। मैं वही बात कर रहा था कि लड्डू पे लड्डू ड्रॉप कर रहे हैं यहां पर, एक आसान सा कैच। कहीं ना कहीं मैं बात कर रहा था कि क्वेश्चन मार्क है वली क्रिकेट जूनियर क्लब की जो फील्डिंग का जो स्तर रहा है वो उस तरह का नहीं रहा है।
काफी खराब फील्डिंग, काफी खराब फील्डिंग, चार पांच कैचेस अभी तक ड्रॉप कर चुके हैं फाइव स्टार कंसोल, और उस इस बार जबरदस्त गेंद थी, खेल नहीं पाए बल्लेबाज ओमराज। स्कोर अभी भी 93 8 विकेट के नुकसान पर, 94 8 विकेट के नुकसान पर पारी का ये 14 ओवर प्रगति पर है। उस 14 ओवर की अभी दो गेंद आना शेष, आखिरी गेंद आना शेष, करंट रन रेट 6.88 का है इस बार, पैड लाइन पे करवाने की अपील, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड बॉल इन लक्षण के बाहर थी, कहीं ना कहीं यॉर्कर लेंथ पे जा रहे हैं अब सलमान बट, क्योंकि डेथ ओवर की गेंदबाजी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ज्यादातर बल्लेबाज एक यॉर्कर लेंथ डिलीवरी के लिए जाते हैं, क्योंकि वो मात्र एक जरिया होता है बल्लेबाज को अपने जाल में फंसाने का, उनको करने का। इस बार हल्के हाथों से केवल गेंद को खिला, यहां पर रन आउट डायरेक्ट हुआ यहां पर सलमान बट का, क्या जबरदस्त यहां पर फील्डिंग, कहीं ना कहीं सलमान बट ने इस बार फुर्ती दिखाई, और उस फुर्ती के चलते यहां पर फाइव स्टार कंसों की 9 विकेट गिर चुकी हैं, और रोहित कुमार को जाना पड़ेगा वापस रनआउट के चलते यहां पर, क्या जबरदस्त पिकअप।